भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल YouTube नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे कहो नानक गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे कहो नानक गुरबंधन काटे गुर बिछरत आन मिलाया बिछरत आन मिलाया बिछरत आन मिलाया बिछरत आन मिलाया ओ बिछरत आन मिलाया बिछरत आन मिलाया गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे कहो नानक गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे ठाकुर तुम शरणाई आया ठाकुर शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गयो मेरे दर्शन पाया उतर गयो
मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गए हो गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे कहो नानक गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे कहो नानक गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे कहो नानक गुरबंधन अनबोलत मेरी बिरथा जानी अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया अपना नाम जपाया दुख नाठे सुख सहज समाए दुख नाठे सुख सहज समाए आनंद आनंद गुण गाया पकड़ कड़ ली ने अपने ग्रह अंध कूप ते माया ग्रह कूप ते माया कौ नानक गुरबंधन काटे बिछिरत यान मिलाया मिलाया हांजी बिछिर त्यान मिलाया बिछिर त्यान मिलाया गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे कहो नानक गुरबंधन काटे 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 यही विशेषता है मेरे सतगुरु जी की। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने कहो नानक गुर बंधन काटे बंधन काटे पावे जेड़े मर्जी बंधन हो सत
संसारिक बंधन भावें परमार्थ बंधन, हरेक बंधन कट्टण दे समर्थ ने मेरे सतगुरु आपो सतनाम। गुरु का अर्थ की है? गुरु का अर्थ है हनेरे तो प्रकाश दे विच लियाना, हनेरे दे विच बंदा भटकता है, तड़फता है, ठोकरां खांदा है, हनेरे दे विच दुखी होंदा है, अज्ञानता का हनेरा सानू परेशान करता है, सत्संग दुखी करता है, अज्ञानता है ना। गुरु अज्ञानता दे हनेरे विच्चों ज्ञान दे चानण जे लियांदे ने, अपने शब्द का ज्ञान दे के, अपनी सुमत का ज्ञान दे के रस्ता दिखांदे ने, जीवन जीवन का ढंग दसदे ने, जीवन निखारन का ढंग दसदे ने, जीवन सवारन का ढंग दसदे ने, और जीवन की बाजी जित के जाण का ढंग दसदे ने। जिहड़े बंधना च पिया हुण मान लो कोई हथकड़ियां दे नाल बन्ने है, पैर बन्ने हुए ने, सारा शरीर हथकड़ियां दे विच है, सलाखां दे विच वो कैद है, वो किवें जित के जाएगा, वो बाजी किवें जित के जाएगा, वो तो हारिया पिया, वो तो खुद बंधन च है। बाजी ओही जित के जाएगा जिदे बंधन टुटन गए, आखो सतनाम टुटन गए, जिदे बंधन टुटन गए वो बाजी जित के जाएगा। ते बंधन टुटन गए किवें, जदों पूरे सतगुर नाल मेल होएगा, आखो सतनाम, जदों पूरे सतगुर नाल संग होएगा, कहो नानक गुर बंधन। बड़े बड़े बंधनों के विच असीं जकड़े हुए हैं, किते मोह का बंधन, किते लोभ का बंधन, किते होमे का बंधन, किते ईरखा का बंधन, किते द्वेष का बंधन, किते पराई तात का बंधन, कितों कितों बचांगे। पर हां, एक सच्चे सतगुर का संग हो जाए, हर बंधन तेरे खुलते जाएंगे, कड़ कड़ कर दियां तेरियां बेड़ियां टुट दियां जाएंगियां, खो सतना टुट दियां जाएंगियां, आजाद हो जाएगा तू, आजाद। फिर यही नहीं, खाली गुरु बंधन कटदे ने ना ना, अगली विशेषता ही मेरे सतगुरु जी दी, कहिंदे बिछड़त आन मिलाया, सतनाम। विछड़िया होया सी, विछड़ना दुख है। मेले दे विच बच्चा विछड़ गया मां बाप तो, जब तक मां बाप दे हाथ दे विच बच्चे दा हाथ सी, हर चीज सुहावनी लग रही सी, वो मेला बड़ा रमणीक लग रहा सी, आनंद दे विच ओ बच्चा नचदा खेडदा, हुण मां बाप दी ओ बां छुट्टी उस बच्चे दी पटकिया, ओही रमनीक मेला हुण रमनीक नहीं लग रहा, हुण आनंद नहीं आ रहा, हुण रो रहा, लोकी लिया लिया के पदार्थ दे रहे, बेटा आ ले ले, बेटा आ ले ले, ओ कहिंदा नहीं, मैनू मेरी मां चाहिए, मैनू मेरा बाप चाहिए। हुण ओही रमनीक मेला ओ दुख का कारण बनिया होया, अंदरले नू दुखी किया होया। एक मां बाप की विछड़े सुख भी दुख लगन लगा, मां बाप कोल सन फिर खुशियां ते खेड़े मगर मगर, विछड़े होए हैं सात संगत असी विछड़े होए हैं, ते गुरु तो विछड़ के दुख ही दुख है, गुरु माता तो गुरु पिता तो विछड़ के दुख ही दुख है। ए मेरी निमाणी जिंद कुरलांदी है, दुखी है। ते साहिब कहिंदे ने, कहिंदे जदों बंधन टुटे
ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ 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 ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ 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 ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵਲਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵਲਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵਲਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵਲਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵਲਾਈ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਸਤਸੰਗ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵੇਖਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਔਗੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਣੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ 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 ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵੇਖਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਵੇਖਣ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ
की सुन, सारी जिंदगी मैला सुनते रहे, कूड़ सुनते रहे, जिदे करके अंतशकरण मैला हो गया। जबान नू बोलना नहीं आंदा सी साध संगत, जो जबान खुलती सी ते हिरदे वलुंदर के रख दिंदी सी दूजियां दे। जिथे बहना जबान ने निंदिया करनी गंद खाना, पर देखो ए संगत दी बख्शिश हुई। तीन साध संगत लिव लाई दी बख्शिश की होई, की होई जी? कहते पांच जना मिल मंगल गाया। पांच जना ये पांच जेड़े पांच इंद्रियां ने इन्हां नूं मंगल गाना आ गया, इन्हां नूं मंगल कर्म करने आ गए, इन्हां नूं समझ लग गई। ए नेत्रों मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी हर बिनावर, कन्ना नू समझ लगी ए सरवणों मेरे ओ साचे सुनने नू, साचे सुनने नू पठाए शरीर लाए सुनो। जबान नू समझ लगी निर्बल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला, जीण दी जा जा इतना बंधन कट दे ने, इतना बंधन कट दे ने, इतना साध संगत बंधन कटे जांदे ने। फिर उस तो बाद बख्शिश की हुई, कहते हर नानक भेद ना पाई। फिर उस जन दे विच ते हरी दे विच फिर बहुता भेद नहीं रह जांदा। फिर हर हर जन दोए एक है। ए रस्ता कितों निकलिया? जदों गुरु ने बख्शिश की, जदों गुरु ने रहमत की, जदों गुरु ने मेरे बंधन कटने शुरू किए तो मैनू सतसंगत नाल मिलाना शुरू कर दिया। जदों जदों मैं संगत नाल मिलना शुरू होया मेरिया पंज इंद्रियां नू ज्ञान आना शुरू हो गया। और जिवें जिवें मेरिया पंज इंद्रियां सही तरीके दे कर्म करने शुरू किए, वाह 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 मेरी आत्मक तरक्की क्या हुई। हुण तां ओह गल बन गई हर हर जन दोए गुरबंधन काटे, गुरबंधन काटे कहो नानक, गुरबंधन काटे, गुरबंधन काटे, सतगुर सिख के बंधन काटे, सतगुर सिख के बंधन काटे, अकुर का सिख विकार ते हाटे, सत का सिख विकार ते हाटे। कोई कवे जी बंधन कटे गए तो फिर उदी निशानी की होएगी? मैनू किवें पता लगेगा मेरे बंधन कटे जा रहे? गुरु दा संग कीता मैनू किवें पता लगेगा बंधन कटे जा रहे? पिछले प्रमाण च सतगुरु जी ने यह दसिया कि तेनू सत संगत नाल मिलाप करा देणगे मेरे वाहेगुरु आखो सतनाम। फिर जिवें जिवें संगत दा मिलाप होएगा उत्थों गुण तेनू मिलणगे, ते उस गुणा दे करके तेरिया पंज इंद्रियां शुभ कर्म करनगियां, नेक कर्म करन, अखां नू देखना आ जाएगा मैं की देखना ते की नहीं वेखना, कन्ना नू ए समझ लग जाएगी, सुनना आ जाएगा मैं की सुनना ते की नहीं सुनना, जबान नू समझ लग जाएगी मैं की बोलना ते की नहीं बोलना। साध संगत जी हर इंद्री नू समझ लग जाएगी, हर इंद्री जी। होर निशानियां दसो, होर निशानियां दसो बंधन कट्टण दियां, ते साहिब कहिंदे ने गुर का सिख विकार ते हटे। जदों सतगुर सिख के बंधन काटे, जदों बंधन कट्टण ते आंदे ने फिर निशानी की आंदी है? फिर विकारां तों बंदा पिछे हटना शुरू हो जांदा। गुर का सिख विकार ते हटे, उत्थों हटना शुरू हो जांदा, पिछे हटना शुरू हो जांदा, अगे विकार वल भजदा जांदा सी।
इधर सत्संग का समा होया, उधर किसी ने आवाज मार ली कि चल यारा फलानी थां ते कोई नाच गाना चलता, फलानी थां ते कोई महफल सजी हुई है जिथे केवल कूड़ है, केवल कूड़, फलानी फिल्म लगी है चल उधर चलिए। इधर सत्संग का समा ते अगे की होंदा सी, विकारां वाले बन्ने तुर पे। चल कोई नहीं, सत्संग केड़ा भजन लगा, मैं कल सत्संग कर लंगा को सतनाम। सत्संग केड़ा भजन, रोज का सत्संग होंदा। जे ये कहिए कि भाई वो मेरी पिक्चर केड़ी भजन लगी है, हाँ जी उतों हट। साडा सुभाग कैसा है कि सत्संग नूं तां पिछे कर देंगे पर विकारां नूं अगे रखांगे। पर जदों सतगुर दा मेल होया, सतगुर दे बंधन कट्टे, फिर निशानी निशानी गुर का सिख विकार ते हट है, हट जांदा पिछे। एक ने कहा कहिंदे आ चलीए उथे महफल सजी हुई है, उथे पब ते क्लब ते उथे होर इदां चीजां। इधरों सत्संग का वेला, कहिंदा नहीं भाई मेरे इबादत का वेला है, मेरे नाम जपण का वेला है, मेरे भजन का वेला है, ये वेला छुट गया मैं की करांगा, की करांगा। एक मैं सीन तुहानूं छोटा जिहा विखाण लगा। एक बंदा किसी नूं प्रेरदा कि चल माड़े पासे चली, माड़े पासे चली, अश्लीलता वल चलीए, जिथे वाशनावां ने उथे चली, गलत सोचा ने उथे चली। बंदा तुर पिया, ध्यान ना सुनना जी, बंदा तुर पिया। हुण जदों उन्ने उथे मंदे कर्म कीते, शराबां पीतियां, होर गलत काम कीते, और वाहिगुरु ना करे उसी रात उदी मौत हो जाए, आखो सतनाम। की लैके गया, की लैके गया, ताजे ताजे केड़े कर्म लैके गया नाल, क्योंकि इथे दी मर्सिडीज ते इथे दी बीएमडब्ल्यू ते इथे दी इनोवा शनोवा ते इथे रह जानी है, आखो सतनाम। जदों बंदे दी एकदम अख बंद होई, जितनियां जायदादा सन उह तां इथे रह गई, बल्कि तेरे नाम तो भी शिफ्ट होके किसी होर दे नाम चलिया जानी। हुण तू दस बंदिया तेरे नाल की गया, तेरे उस वेले कर्म किहड़े सन। हुण दूसरे पासे दूसरा सीन, एक बंदा प्रेरदा पिया कि चल माड़े पासे चलीए, अश्लीलता वल, वाशनावां वल, इधर। वो कहिंदा ना भाई, ना भाई, मेरे सतगुर ने मेरी सोच बदल दित्ती है, हुण उधर नहीं, हुण मेरा मार्ग सतसंग दा है। इधर सतसंग ते आ गया, सिमरन कीता, बंदगी कीती, गुरु की गोदी च बह के आनंद लिया, ए हरी नाम का धन संचिया, ते रात नूं उहदी मौत हो जाती है, आखो सतनाम। रात हुण दसो भाई, ताजा ताजा की कमा के गया, आखो सतनाम। ताजा ताजा की लेके गया, सोचना पएगा सानू, सोचना। सानू नहीं पता मेरा केड़ा समा अखीरला समा है, केड़ा समा अखीरला समा है। चलदिया चलदिया नूं सत्संग बंदे नूं पता चलता पिया, बंदा या स्कूटर दी जा रहा, पिछों कोई आके आया मारदा ठा, हो गया जी, हो गया, पता लगा जी भोग पै गया। सतनाम। किन्नियां स्कीमां इन्हें बनाईयां होईयां सी, मैं इत्थे जाना आ करना आ करना, पिछों आके ठा वजी, ओ किथे गया। ते उस वेले उस तो पहले जिहड़े कर्म कीते ने, उस तो पहले जिहड़े कर्म कीते ने, ताजे कर्म पिछले सारे ते ओ कर्म नाल जाणगे, तां ते आ समझ लगदी है बंदिया, सतगुर दी संगत करके कर्म निर्मल कर लै, आखो सतनाम। जदों मर्जी मैं जावां, इन्ने निश्चिंत हो जाओ, इन्ने निश्चिंत हो जाओ, इन्ने खेड़े च आ जाओ कि मैनूं हुणे हुणे मौत आ जाए, मैं बाह लुड़ा के जावां। ऐदां कहो नानक, बाह लुड़ाई है, बाह उलार के जावां कि बाजी जित के चले, आखो सतनाम। बाजी जित के, क्योंकि मैनू पता है मेरे कर्म ऐसे ने
गुरु नानक की कृपा के सदका मेरे सतगुरु ने मेरे को ऐसे ऐसे कर्म कराए ने। जो मर्जी संसारक चोला छड़ दिया, जो मर्जी भावे इसी वेले बोलते बोलते ठा गिर जावा, मलाल नहीं रहेगा, खेड़ा रहेगा, क्योंकि इथों भी गुरु की गोद, जिथे जा रहे हैं उथे भी गुरु की गोद ही होगी। आखो सतनाम खिडारी बाजी जित के आंदे किदां नचदे आंदे ने, होए होए किदां नचदे आंदे, ऐ भंगड़े पांदे आंदे ने, बवा लरारे आंदे ने, सस दो ते जिहड़ा हारिया होया ऐ सिर झुका के जांदा। जेड़े फोटो खिंचण वाले कहते सर एक फोटो वह बेचारा इतना ही करता नीचे मूंह शर्म करके निकल जाता, क्यों बाजी हार के जा रहे हैं। खुसा तो ना जेड़े बाजी जित के जाते हैं खेड़े जे जाते। हर बंदे नू अपने कर्म पता ने, हर बंदे नू अपने कर्म पता ने, जे वो बंदे नू कर्म पता ने तो उन्हूं यह भी पता है कि मेरा हशर की होना, क्योंकि कर्मा दे निबेड़े ने जी, सच्चाई है कर्मा दे निबेड़े ने। ते इस तो बेहतर है जेड़े बंधना दे करके मैं डुबदा पिया, जेड़े बंधना दे करके मेरा बेड़ा गर्क हो रहा, बंधन कटवा लवा, ते बंधन कट्टणगे कित्थों, अपने सतगुरु जी दे चरणा विच। वाह सतनाम गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे कहो नानक, गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे बंधन काट सेवक कर राखे, बंधन काट सेवक कर राखे, बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत वाणी रसना चाखे, अमृत वाणी रसना चाखे जी। होर दसो होर दसो, जो बंधन कट्टे जाते हैं तो नतीजे की निकलते, की बख्शिश होती, खाली की बंदा विकार तो हटता, खाली पांच इंद्रियां शुद्ध हो जाएं जी। होर मैं दसो, जो मेरे बंधन कट्टे गए तो की बख्शिश हुई, तो साहब कहते आ तुम दसा की बख्शिश हुई, अमृत बाणी रसना चाखे, अमृत बाणी रसना। अगे माड़े गीत गुनगुना हूँ अमृत बाणी रसना चाहे, हूँ खेड़ा आ गया, हूँ आनंद आ गया जीवन का, हूँ सत्संग स्वाद है जीवन जीवन का। अगे निकी निकी गल दे झूरिया रहिंदा सी, कलपिया रहिंदा सी, मरिया रहिंदा सी, हूँ जीना आ गया। तो सतनाम जीना आ गया। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु, धन गुरु नानक, 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 गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे कहो नानक, गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे गुरबंधन वैरुआ आए गुरु, आए गुरु आए।
वाहेगुरु 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 बंधन काटे कहो नानक गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे गुरबंधन काटे कहो नानक गुरबंधन नानक साहब कीर्तन से जुड़े बाबा मरदाना जी रबाब छेड़ रहे और धन गुरु नानक साहब महाराज कीर्तन कर रहे। दास ने अक्सर एक गल कही है जी कीर्तन दे मालक ने धन गुरु नानक आखो सतनाम। असी एक आम कीर्तनिया सुन के कहने जी इना आनंद आया इना आनंद आया जी मजा। सोचो सोचो कदे जदों गुरु नानक कीर्तन करते हो गए तो की हाल होंदा होगा जिहड़ा सुनदा होगा को सतनाम की हाल होंदा है जी। सत श्री अकाल भाई तिरथा ते भाई खेडा दो नाम आए भाई पिरथा भाई खेडा ये दोनों दीवान दे विच आए जी। बड़ी शौह सोहनी सी गुरु नानक साहब की कदे दर्शन नहीं किए सन सुनिया सी कि रहमतां दे साईं ने जिहड़ा एक बारी दर्शन कर लैंदा बस मुरीद ही हो जांदा है। कोई सतनाम मुरीद ही हो रूहानीयत दे मुजस्मे ने धन गुरु नानक रूहानियत दे मुजस्मे भाई पिरथा ते भाई खेडा ये दोनों दीवान दे विच आए थे। इदां ही साध संगत दीवान सजिया सी आके पिछे बैठे मेरे गुरु नानक साहब महाराज कीर्तन कर रहे। ओहो वाला इन्ना आनंद आया इन्ना आनंद आया जुड़ गए इन्ने आनंद विच वो बैठे ने कि शुद्ध बुद्ध भुल गए शुद्ध बुद्ध भुल गए। कीर्तन ओ जिथे शुद्ध बुद्ध ना रहे सस जदों घड़ी वेखे बंदा है समाप्ति का समा आ गया पता ही ना लगे खेड़ा बनिया होया आनंद बनिया होया भाई पिरथा जी ते भाई खेडा जी मस्त होए पे कीर्तन दी समाप्ति होई ए दोनों इदां ही बैठे ने समाधियां लगियां होईयां नेत्र बंद ने अरशी मंडल दा आनंद माण रहे ने। जद समाप्ति होई ना सास एक एक शरीर मत्था टेक के जा रहे ए उदां ही बैठे सुन खेड़े च सरूर च कई बारी होंदा है जदों बंदा कीर्तन विच इन्ना मस्त भुल जांदी है दुनिया बाहरली दुनिया का नाता खत्म हो जाता है कंटैक्ट टुट जाता है सारिया सोचा खत्म हो जांदियां मैं इधर जाना आ करना वह करना ये इंज सब खत्म सब खत्म एक वक्री दुनिया का आनंद लै रहा होंदा है वह बंदा। इदां ही दोनों भाई पिरथा जी ते भाई खेडा जी महाराज ने मरदाना जी भेजा कहते जाओ वो समाधियां लग गई गुरमुखां दियां उन्होंने बुला के लिया। मरदाना जी गए मोढ़े तो पकड़ के जो हिलाया तो सुरत लाई
रस सी, नेत्रा च रस सी। सामने जदों गुरु नानक दे दर्शन कीते बस भज्जे चरना नाल लिपट गए, चरना नाल लिपट गए। ते महाराज ने मुस्कुरा के कहा, कहिंदे की मंगदे हो, की इच्छा है? हुण सुनना ध्यान दे नाल सास, कीर्तन दा रस माणिया सी, हुण रब जाने घरों की इच्छा लेके आए, की मंग रखनी सी, किवें गुरु नानक दे अगे सात संगत बेनतियां लाणियां सन, पर सब कुछ भुल गए। मेरे गुरु नानक आप पुछ रहे ने, किधरे संगतां कहिंदियां सन महाराज आ बेनती है, आ बेनती है, आ चाहीदा। हुण इत्थे गुरु नानक पुछ रहे ने, दसो भाई की इच्छा, की इच्छा, कड़ी दात दे नाल झोली भरी है। चार चीजा मंगिया जी, चार चीजा इन्हां गुरमुखां ने ऐदा हाथ जोड़े ते कहण लगे जी, जेड़ा आत्मक सुख अज आया है, कहिंदे बस महाराज ये आत्मक सुख बख्श दिओ सतनाम। क्या बात, सत श्री अकाल। एक मंग, ओ मंग जिस मंग दे करके तुसी गुरु नानक नूं ही मंग लोगे, आखो सतनाम। महापुरख बचन करिया करदे सन, कहिंदे ओ पत्ते मंगण वाले आ, ओ फल ते फुल मंगण वाले आ, ओ टाणा दी छां मंगण वाले आ, कहिंदे तू दरखत मंग लै, आखो सतनाम। तू दरखत मंग लै, उस दरखत दे पत्ते फुल फल टाण दियां छावां, ओ कहिंदे सब कुछ तेरियां हो जाणगियां जे दरखत तेरा हो गया, दरखत तेरा हो गया। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਨ, ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋੜਾਂ, ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਪਿਰਥਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਖੇਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਤਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇੱਛਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਹਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦੈਵ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਆ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਛੜੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਅੱਜ ਨਾਸਵੰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਸਵੰਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਤ ਨਾਸਵੰਤ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਲੂ ਕੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਖਤਮ। ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਵੇ ਖਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੂੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਕੂੜ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੀ? ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਇਸ ਕੂੜ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਣੀਆਂ,
बल्कि रिश्तेदारियां भुगतान की जाए तो मेरे सतगुरु जी ने दसी। गुरु रामदास महाराज जी ने स्पैशल गुरु अर्जन देव महाराज जी लाहौर भेजा, जाओ रिश्तेदारी दे विच विआह है तो भुगता के आओ। ये तो सानू सिखाया साहब, कहते रह झूठ रह झूठ पर जुड़ सच दे नाल तो सतनाम। रहना झूठ साडा दोष की है जी, असी रहिंदे झूठ च आ पर जुड़े भी झूठ दे नाल, संबंध भी साढ़े झूठ दे नाल पक्के हुए टुटते ही नहीं। साहब कहते आ गुनाह है तेरा कि तू रहिंदा झूठ च ते जुड़ता भी झूठ दे नाल है। सतगुरु कहते मेरे बच्चिया रह झूठ च, माया च रह, बच्चिया च रह, कारोबार च रह, रिश्तेदारी च रह, पर जुड़ सच दे नाल। ते सच की है? सच है परमेश्वर का नाम, सच है वह वाहेगुरु जी का नाम। वाहेगुरु के नाम के नाल जुड़े रहो। कोई इस्लाम धर्म च है अल्लाह पाक के नाम के नाल जुड़िया रहे, कोई हिंदू धर्म के विच है अपने रब के चरणों के नाल जुड़िया रहे, कोई सिख धर्म के विच है वाहेगुरु जी के चरण। एक बंदे दे जिवें कई नाम होंदे ने, वो एक सुप्रीम पावर के भी बड़े नाम ने। जिहड़े मर्जी नाम नाल उहनूं बुला लो, वो तो सगों खुश होंदा है, सतनाम खुश होंदा जुड़दा नाम। तीजी चीज जदों मंगी ना महाराज बड़े प्रसन्न, कहिंदे पातशाह जिवें अज ये जगत नासवंत लगता पे, झूठ लगता पे, गरीब निवाज ये ना होवे, इथों बाहर जाइए फिर ये झूठा जगत, ये नासवंत जगत मैनू सच्चा लगना शुरू हो जाए, आ कृपा कर। पातशाह बड़े खुश है, अगों कहते होर तो सतना होर, आम बूहे खोले हुए ने महाराज ने दाता दे होर, हुण की मंगया? कहते सतगुरु जी जिवें अज मन तृप्त होया है ना, आखो सतना, जिवें अज मन तृप्त होया है, बस रहिंदे स्वासा तक ये तृप्त ही रवे। तृप्त अज तक सात संगत तृष्णा विरले की बुझी है, आखो सतना, कोई विरला है जिद तृष्णा बुझी है, कोई तृप्त हो। मैं 2 लाख कमा लव, कमा लिया हूँ 4, मैं 4 कमा लव हूँ 8, मैं 1 प्लांट ए वड्डा बना ला हूँ, दूसरा हूँ तीसरा, और नहीं तृष्णा बुझदी, नहीं तृष्णा बुझदी, ए होर 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 करता दुखी हो ही रहा है दुखी। कदे कोई तृप्त हो? कदे किसी ने बाहां चक के इनी कही, इनी गल कही है कि गरीब निवाज जितना दिता ही प्यांत है मेरे को, बड़िया रहमतां तेरियां सचे पाशाह, देंगा तो मौज नहीं तो मैनू कोई लोड़ नहीं, आखो सतनाम, मैनू कोई लोड़ नहीं। इनू कहिंदे रज, इनू कहिंदे तृप्त, ते जे ज्यादा आ जाए अधिक होए ते जय कह दीजे, जे निरंकार वाहिगुरु जी ने तुहानू ज्यादा दे दिता है, फिर अगर तुहाडे सामने कोई गरीब है, तुहाडा कोई रिश्तेदार ढिला है, सारियां दे घरां दे सारियां दे रिश्तेदारियां च कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा होंदा जिहड़ा ढिला होंदा, ढिला होंदा, ढिले दा मतलब पिछे होंदा है, माया वल्लों भी आर्थिक अवस्था विचों उहनू खड़ा करो, आंढ गुआंढ वेखो, रिश्तेदारियां दे विच वेखो, जदों सारे पासे भुगत जावे फिर सजे खब्बे सात संगत होर वेखो, अधिक होए ते जाएगा। इनू कहिंदे तृप्ति, तृप्ति हे गरीब निवाज, जिदा अज मन तृप्त होया ना, अज मन जिदा तृप्त होया है गरीब निवाज, बस आ कृपा कर दियो रहिंदे स्वासा तक मन तृप्त ही रवे, आखो सतनाम। 4 चीज पातशाह एडे खुश होए, एडे खुश होए, मेरे मालक कहन लगे कहते सुभान, आखो सतनाम, की कहते? कहते सुभान, शाबाश। पहला आत्मक खेड़ा, फिर चरणा दी प्रीत, चरण शरण मंगे, फिर जेड़ा आ संसार मिथ्या नासवंत जेड़ा ये रहिंदे स्वासां तक मैनू नासवंत लगे, ते जेड़ी अज तृप्ति हुई है अंदर दी, बस ये आनंद बनिया रहे।
मन तृप्त। साहेब कहण तो रुक नहीं सके, कहिंदे सुभान, कहिंदे सिखो सुभान, बड़ी कृपा। एड्डी उत्तम सोच लै गए, एड्डी उत्तम मंग लै गए। फिर सतगुरु जी ने कहा, कहिंदे जिहड़े चरण शरण मंगदे पे हो, चरणा दी शरण मंगदे पे हो, कहिंदे आ है साध संगत, आखो सतनाम। यह है साध संगत, साडा निवास हमेशा सत्संग च है, विच संगत हर प्रभ वसे। संगत नाल प्रीत कर ली, संगत नाल तुहाडी गंदी गई, संगत च भज भज के जांदे रहे, कहिंदे बस आ समझना साडे चरणां नाल प्रीत गंदी होई आ, को सतनाम। जिवें दास कई बारी कहिंदा ना जी, बड़िया संगत इतने अमृत वेले दियां बैठिया हुई, तकरीबन तकरीबन संगत अमृत वेले जागण वाली बैठी हुई, जिहड़ी सिमरन साधना च आ। मैं एक बारी नहीं कई बारी कह, मैं कह सदके जावां तुहाडे तो सदके, क्यों भज भज के तुसी अमृत वेले आंदे हो, सत्संग च आंदे हो। यह जिहड़ा भज भज के आना की है, यह एक शौक, तो यही शौक नूं सत्संगत किया जांदा, चरणा की प्रीत, आखो सतनाम। यही है चरणा की। फिर पातशाह ने पांच बचन इन्हां दी झोली च पाए, इन्हां ने परमार्थ मंगिया सी, परमार्थ हुण परमार्थ दे पांच बचन मेरे सतगुरु जी ने इन्हां दी झोली च पाए, और वह बचन पा के इन्हां दे सात संगत जितने बंधन सन ना वह कट्टे कट्टे। सतगुरु जी की एडी दयालता होई, एडी दयालता होई, इन्ने गुरु प्रसन्न होए, वो पांच बचन एडे अनमोल। जब मैं पढ़ रहा सी ना सत्संग, कमाल, ऐदा लगता सी कि मेरे सतगुरु जी ने भाई प्रथा जी ते भाई खेडा जी नूं नहीं, ओए सानू ये पांच बचन दिते। हाँ जी, जे ये पांच बचना दे सदका उन्हां दे बंधन कट्टे गए, मैं लिख के देण लई तैयार हाँ, जे असी मन्नांगे सत्संग दे बचन ते साडे भी बंधन कट्टे जाणगे, साडे भी बंधन कट्टे जाणगे। आओ पहले दो मिनट सतगुरां दी शान दे विच सतगुरां दी महिमा अज पढ़ लईए जी, सारे कृपा करे, फिर जितने बचन अज सांझे हो सकण, एक हो जाए, दो हो जाण, तीन हो जाण, चार हो जाण, ते बाकी जिहड़े बचन रह जाणगे फिर अगले। आ जिहड़ा हुण बुधवार दा दीवान आ रहा है सत्संग, गुरु नानक साहब की कृपा दे नाल फिर बुधवार अगले दीवान दे विच सत्संग सतगुरु जी अगले बचना नूं सांझ विच लियाणगे, सिर ते हथ रख के जितने बचन अज सांझे हो जाण गुरु कृपा करन जी। आओ सारे कृपा करियो, बोलियो, गुरबंधन काटे, गुरबंधन काटे, कहो नानक गुरबंधन काटे, गुरबंधन काटे, गुरबंधन काटे, कहो नानक गुरबंधन काटे, गुरबंधन काटे, गुरबंधन काटे, कहो नानक गुरबंधन काटे, गुर बिछरत आन मिलाया, 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 मिलाया।
ते कहो नानक गुरु बंधन काटे गुरु पंज मुबारक बचन इन्हां दोनों की झोली च पाई जी गुरु नानक साहब सवाल से की इच्छा है ते चार मंगा रखी है हुण उहदे प्रथाएं मालक ने बंधन कट्टण वास्ते साध संगत पंज बचन दिते कहिंदे भाई पिरथा जी भाई खेडा जी ये पांच बचना ते आप जी ने पहरा देना जी पातशाह हुक्म पहला बचन दिता शब्द नाल जुड़ो आखो सतनाम शब्द की कमाई करो दो चीजें शब्द नाल जुड़ो ते शब्द की कमाई करो हुण इत्थे असीं बैठे हाँ शब्द नाल जुड़े हुए हैं गल हो रहा है शब्द की कमाई करनी हो रही आ सत्संग सत्संग सादा थियोटिकल सेंटर है दिस इज आवर थियोटिकल सेंटर इतने असं थ्योरी पढ़ने सतगुरु जी सानू शब्द राही जीना सिखाते हैं जीण का ढंग सिखाते हैं इतने अपनी थ्योरी समझाते हैं सानू अपनी समत देंगे ने इतने ज्ञान देंगे ने बेटा ऐदा नहीं ऐदा ऐदा नहीं ऐदा ते एक घंटा डेढ़ घंटे का यह सैशन लगा के सानू तोर देंदे ने जाओ हुण जो आज समझाया सी दा प्रैक्टिकल सारा दिन करना आखो सतनाम हुण सारा दिन प्रैक्टिकल करना पर अफसोस असी सोचते हाँ बस ये थियोरटिकल सैशन हो गया प्रैक्टिकल सैशन की कोई लोड़ नहीं दोनों चीज़ों के नंबर लगते सन जी एक थियोरटिकल के वखरे लगते सन प्रैक्टिकल के वखरे लगते सन इहदा अपना महत्व है आ सत्संग का अपना महत्व है इहदे बड़े नंबर ने पर सात संगत जदों बाहर जावांगे इस थियोरटिकल का प्रैक्टिकल करांगे नंबर उहदे भी बड़े ने आखो सतनाम उहदे बड़े इत्थे सानू समझाया जांदा है निंदिया भली किसी की नाही मन मुख मुग्ध करन मूह काले तिना निंदका नरकै घोर पवन कहिंदे वेख लै मूह काला करके नरकां च तैनूं सुट्टिया जाएगा जे निंदिया करेगा हुण सानू प्रैक्टिकल करना है बाहर बैठे हैं चार बंदे बैठे हैं पंजवें दी निंदिया शुरू हो गई जिहड़ा साडे विच नहीं बैठा वो इदां दा वो उहदी बदखोईयां शुरू इत्थों मैं पढ़ के गया सी निंदिया भली किसी की नहीं नाल ही मैं ब्रेक लगाती भाई रुक जाइए टॉपिक चेंज करो होर 36,000 टॉपिक ने आपां एवें गंद खांदे पए फलाणे दी निंदिया वो है होएगा उदा का हैगा माड़ा असं भी जानते हैं दुनिया जानती है पर जरूरी वह गंद खाण छो बै नाल ही सात संग टॉपिक चेंज इन कहें प्रैक्टिकल इतों सीख के गया से निंदा नहीं करनी बहर जाके जो निंदा हो लगी ब्रेक लग गई तो सतना स्वाद आ गया सतगुर कह बिल्कुल कामयाबिया वाल जा रहे हैं जीवन में सवार रहे हैं शिंगार रहे हैं क्यों क्योंकि थियोटिकल ही प्रैक्टिकल तेरा बनता जा रहा है थियोटिकली प्रैक्टिकल बनता जा रहा जब सतगुरु जी ने कहा सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिन्ह जो बाहर गए हैं सत्संग जुगती बाबा अतर सिंह जी दसते सन कहते जितना चलो पहला कदम चको वाहे दूजा गुरु वाहे गुरु अगर कोई हिंदू रिलीजन का इतने बैठा है जो भी तुहाडे भगवान का नाम है राम है जो भी सत्संग जो भी कदम चको वो नाम शुरू कर दियो जपना जपना शुरू कर दो कोई सलाम धर्म का इतने बैठा है अगर कदम चके अल्लाह नाम जपता जाए बंदगी इबादत करता जाए ये नहीं कि खाली इको नाम है तो इको नाम ही जपना अगर वाहिगुरु तो नहीं वाहिगुरु ही खाली जपी जाना जेड़ा जिस धर्म च है भाई उन्होंने उस धर्म का नाम मुबारक है पर जपे तो सही जपे तो सही जपण नू भाग लगन गए जपण नू फल लगन गए जप के तू बीज दे उस बीजे नू फल लगन गया तो सतनाम
शब्द की कमाई करनी, पहले शब्द नाल जुड़ना फिर शब्द की कमाई। शब्द की कमाई तो सत्संग आएगी ना जो पहले जुड़ांगे। मैं बख्श लेना, मैं एक कौड़ी गल कर लगा, कौड़ी गल। अज साडा शब्द दे नाल जुड़ना ही बड़ा औखा हो गया। आखो सतनाम, जुड़ना ही औखा हो गया। तीन घंटे पिक्चर दे नाल जुड़ना होवे भजे भजे जाने, भजे भजे जाने। किते रंग रंगीनिया वाली महफिल जुड़ी होवे भजे भजे जाने। की लफ्ज में बोलिया सी, रंग रंगीनिया वाली महफिल जुड़ी होवे। आखो सतनाम, ते तू भी उन्हों जॉइन करन वास्ते जुड़न वास्ते ऐ दौड़ दें कि जिवे पता नहीं करोड़ा अरबा की चीज मेरे को छुट ना जावे। आखो सतनाम, करोड़ा अरबा की चीज छुट ना जा। साहब कहते ना भाई ना, यही चीजा दे नाल जुड़ना ही, उन्हां दे नाल जुड़ जिदे जुड़न करके तेरे जुड़े की कीमत पै जाए, तेरा जुड़ना व्यर्थ ना जाए। समा भी लाया बैठे हाँ, किसी चीज को ज्वाइन किया है, हाँ जी जुड़े हाँ, समा लाया ना, इन्ना कीमती समा सी इदा ही व्यर्थ करता है, इदा ही व्यर्थ करता। सारी रात नचते टपते रहे, जो विआह शादियां आदि सॉरी दो दो बजे तक अड्डिया चक चक के नचते रहे डीजे फ्लोर के उपर। घरे आए जी इदा टाई टुई, ओ बड़े थक गए जी, बड़े थक गए जी, ए जी ओ जी, बड़े बड़े काम करके आए हैं जी। आंदियां सार सत्संग मंजा पकड़िया ते सो गए। लै जी बड़ा बड़ा पहाड़ खोद के आए। साहब कहते ने की कीता ई, की कीता, रहण गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, कौडी बदले जाए। व्याह च जांदा जरूर, छड़ने नहीं, रिश्तेदारियां छड़नियां नहीं, भुगतानियां ने। गए व्याह च लिफाफा दिता, दो चार पांच मिनट जो कुछ खाना पीना खाता, हाथ जोड़े जी मैनू आग्या दिओ। रोकण वाले ने जब तुहानू रोकिया, जी रुक जाओ हाले तो डीजे फ्लोर लगना है, हाले तो धूमां पैणियां ने, ढोली बुलाए ने ढोल बजाण वाले, हाले तो देखो रंग रंगीनियां। तो नाम जपण वाला की कहिंदा, कहिंदा बस जी मैनू आग्या दे दिओ, मैं भुगताना सी भुगता लिया, जे इत्थे रुक गया मेरा अमृत वेला खुज जाएगा। आखो सतनाम, मेरा अमृत वेला खुज जाए, अमृत वेला नहीं मैं खुजा सकता, इनू छड़ सकता उन्हों नहीं छड़ सकता। बड़ा रिश्तेदारी ने यारी दोस्ती ने बड़ा रोकण का यत्न किया, दो मिनट उन्होंने मूह लिया जी रुक गए, चल कोई नहीं, पांच मिनट बाद बस पाई आगे आ गया। राती आए आराम च होए, सवेरे उठो होए बैठो चौंकड़ा ला के बैठो, करो ही बात, करो बंदगी, जुड़ो नाम दे नाल बंदगी दे। शब्द की कमाई, शब्द की कमाई ता हो सकेगी जे शब्द पढ़ांगे, जे बाणी पढ़ांगे, बाणी नाल जुड़ांगे सत्संग। और मैं एक बेनती करदे हां जी, एक बेनती करदे हां, जिदा जिदा बाणी पढ़ोगे ना, बाणी जिदा जिदा अंदर जाएगी, तुसी कुछ महीनों च अपनी तब्दीली देखो, लिख लो, देखोगे तब्दीली। अंदर सात संगत विषय विकार भरे हुए सन, औगुण भरे हुए सन, कुछ तब्दीली देखो। मैं नहीं कह रहा, मेरे सतगुर कह रहे, मेरे साहब कहते, बिख ते अमृत हुए नाम सतगुर मुख बने। जो सतगुर जी की बाणी मुख तो अंदर गई, अंदर जड़ा जहर सी वो बाहर आंदा गया, बाणी अंदर टिक गई। आखो सतनाम, सच ए सच। जदों बाणी नाल जुड़ना शुरू करांगे फिर बाणी समझांगे, बाणी नू समझांगे, फिर समझण तो बाद बाणी की कमाई करांगे, शब्द की कमाई करांगे। शब्द की कमाई करना की हुंदा है, जो गुर कह सोई पल मान। शब्द दे विच लिखिया ए काम नहीं करना, और वो काम मेरा फेवरेट सी, मैं बड़े शौक नाल करया करदा सी। हुण शराब बहुत शौक दे नाल बंदा पींदा सी,
शब्द पढ़दे आ ये शब्द सामने आ गया। जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आवे, अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खावे। हुण शराब दा बड़ा शौकीन है, बड़ा शौकीन है शराब दा। हुण इधरों सतगुरु जी ने कहता खसमो धक्के खावे, जे पीएगा धक्के पैणगे मेरे घर तो मेरे दर तो बोल पीएगा। हुण शराब लगदी बड़ी चंगी सी, छड़ी आखो सतनाम। साइया तैनू चंगी नहीं लगती, मैनू भी चंगी नहीं लगती, आखो सतनाम। तैनू नहीं चंगी लगती ना, मैनू भी नहीं चंगी लगती, अज तो बाद छड़ी। इहनू कहिंदे शब्द की कमाई कर, इहनू कहिंदे शब्द की कमाई कर। जो गुर कहे सोई पल मन, सतगुर कहिंदे मैनू तेरा अमृत वेला चाहिदा है, हर हाल च तेरा अमृत वेला चाहिदा है मैनू। और यह कदे अमृत वेला उठ के राजी नहीं सी, उठ के राजी नहीं सी। हुण इहनू इह पता लग गया मेरे सतगुरु की खुशी है अमृत वेले ते। पातशाह जे तुहाडी खुशी है ते फिर मैनू भी अमृत वेला पसंद है, आखो सतनाम। अगले दिन तो हुक अगले दिन तो हुक और बाई क्रुक जिवें मर्जी, मेरे मालक नूं ये चीज पसंद है। ठीक है मैनू पसंद नहीं सी, मैनू आनंद नहीं आता सी, पर मेरे मालक नूं, मेरे रब नूं, मेरे साईं नूं अज तो बाद मैनू भी पसंद है, आखो सतनाम। करमां वालिओ इदां जदों शब्द की कमाई करते जावांगे जीवन निखरदा जांदा है, जीवन सवरदा जांदा है। भाई पिरथा जी ते भाई खेडा जी ने ये जिहड़ियां चार चीज़ां मंगियां ना, चार चीज़ां किहड़ियां सन मैं फिर रिपीट कर लगा। परमार्थी सुख जिहड़ा अज मैनूं सुख महसूस होया, जिहड़ा अज जिहड़ा मैनूं सुख अनुभव होया। पातशाह नूं कहण लगे पिरथा जी, कहिंदे बस आ खेड़ा आ ना। दूजा चरणा की शरण, तुहाडे चरणा की शरण मिल जाए। तीजा ये जिहड़ा जगत अज नासवंत लगता पे, अज जिहड़ा लगता पे, अज अगे नहीं कदे लगिया सी। हे सतगुरु जी अज तुहाडी संगत च बैठ के तुहाडा कीर्तन सुन के अज ये जगत नासवंत लगता है। हे गरीब निवाज बस आ कृपा कर दे, सारी जिंदगी ये नासवंत ही लगे, कूड़ लगे। ते चौथा जो अज अंदर तृप्ति आई है, अज जिहड़ा अंदर मन तृप्त होया है, सतगुरु जी ये रहिंदे सवासां तक मेरा मन तृप्त रहे। ये चार चीजां दा फिर जवाब देंदियां ये बख्शीशां पंज बचना दे राही, ये चारों बख्शीशां पंज बचना दे राही दित्तियां। पहला बचन सी कहिंदे मेरे बच्चे ओ शब्द की कमाई, शब्द की कमाई। तो जिवें जिवें शब्द की कमाई करोगे आत्मा खेड़े आणगे, जिहड़ा अज सुख महसूस किया। जदों जदों शब्द की कमाई करोगे चरणा दे नाल प्रीत गंढी जाएगी, होर पक्की होएगी, होर पक्की होएगी। जिवें जिवें शब्द की कमाई करोगे तुसीं रियलिटी तो जाणू होवोगे कि ए जगत नासवंत है, जा रहना नहीं है तो जग कार वांडी है। बंदा किसे ना आखिए पड़क कर ए हो जी है, जे मैं रहना ही नहीं इस जग दे मैं क्यों माड़ा बोला, फिर ये समझ लग जाएगी। जदों जगत नासवंत नजर आया फिर मैनू ये समझ लग जाएगी यार जदों मैं रहना ही नहीं, जद मैं इत्थे रहना नहीं मैं एवें दुख दिया, मैं एवें कल्पना वंडा, मैं एवें लोगों का नुकसान करा। नहीं, जे मैं रहना नहीं मैं लोगों का भला करके जावा, मैं लोगों को खेड़ा वंड के जावा, मैं लोगों को सुख दे के जावा। जे रहना नहीं ऐत जगत कायत गर्भ हंडी है, मंदा किसे ना आखिए पड़क कर एहो बुझ। कहिंदे बुझ लै, बुझ लै इस चीज नूं बुझ लै। साईं कहिंदे ने जदों तुसीं शब्द की कमाई करोगे तो फिर चौथी जिहड़ी मंग सी अंदर तृप्ति, कहिंदे अंदरला होर तृप्त होंदा जाएगा, होर तृप्त, होर तृप्त, होर। यह पहला बचन मेरे सतगुरु जी ने दिता जी। ते बंधन कट्टे, बंधन कट्टे, हुण कटदे पए ने बंधन। आओ पहले पढ़ लईए फिर दूसरा बचन सतगुरु जी सर ते हाथ रख के विचार कराण जी, कृपा करो सारे। गुरबंधन काटे, गुरबंधन काटे,
कहो नानक गुरबंधन काटी गुरबंधन दूसरा वचन दिता जी साहब कहते धर्मशाल जाके नाम जपना है अख सतनाम धर्मशाल जाके नाम जपना है सदा नाम का आसरा तकना है अख सतनाम बड़ी वड्डी बात है जी और बड़ी डूंगाई है इस बोल दे विच वचन दे विच बड़ी डूंगाई है धर्मशाल दे विच जाके धर्मशाल हुण अज गुरद्वारा कह लो आ सत्संग घर कह लो धर्मशाल च जाके नाम जपना ते नाम का आसरा तकना मैनू बख्श लेना सत्संग पहली गल तां नाम जपना ही बड़ा औखा है ताई बाबा जी ने कहा ना आखण औखा सचा ना औखा पर चलो खुशकिस्मती अगर नाम जप लिया जेड़ी अगली पौड़ी बोली है नाम का आसरा तकना किसी विरले विरले दे हिस्से च आई है किसी विरले विरले दे हिस्से च कदे साडे ते मुसीबत बन आए कदे वाहिगुरु ना करे असी सब तो पहले किदा ध्यान दिंदे यार उहदे कोल चलीए उह बचा लेगा उहदे कोल चलीए उह बचा लेगा उहदे कोल चलीए उह बचा लेगा ऐदा हुंदा ना जी साढ़े ते कोई मुसीबत आ गई उस मुसीबत के रिलेटेड अस सोचते किहड़ा बंदा साडी मदद कर सकदा भज्जे जाने आ सा सकदे घर वाली कहिंदी रोटी तां खा जाओ रोटी बाद च पहले उहनूं मिल लावां को सतनाम ऐदा ही हुंदा ऐदे जदों नाम दा आसरा तक लिया ना वड्डी मुसीबत जितनी वड्डी मुसीबत होएगी तुसीं सब तो पहला काम की करोगे पता है पहले दो बंदे बिठा दोगे तुसीं भजन शुरू करो तुसी नेम शुरू करो सुखमनी शुरू करो लड़ियां शुरू करो मैं जाना उधर पहले बाणी का आसरा पहले नाम का आसरा तकांगे ध्यान ही पहले सतगुरु जी आणगे ध्यान विच ही नाम आएगा क्यों नाम ते आसरा साडा पक्का सी उदों तक असी नाम का आसरा नहीं लैंदे जद तक सत संगत सानू यकीन नहीं कि नाम वरतदा है बड़ी कीमती शह है नाम बड़ी कीमती शह है नाम सत्संग जी उदी याद बड़ी कीमती शह है ये मन हमेशा कीमती शह दे मगर भजदा पर जब ज्ञान हो जाए कि कीमती है सच्चाई कह दे हाले तक मन नू ज्ञान नहीं होया कि नाम कीमती है असी बेशक बोली जाने जी नाम बड़ा कीमती नाम बड़ा कीमती नाम बड़ा कीमती नहीं नहीं मनने मनिया जदों पता लगता ना प्लाट बड़ा कीमती है 50 लाख का प्लाट 30 लाख च मिलता पै बड़ा कीमती है ओए होए मैं कहना रात दी नींदरां ना आराम हो जाए 20 लाख रुपये सस्ता मिल रहा रोटी भुली होंगी आ भुलिया आता जी वह भुलिया आता भजी फिरदा खोतिया वाग बंदा सास भजी फिर सौदा आ जाए मेरे को क्योंकि कीमत पता लगी ना 50 लाख की चीज मैं 30 लाख च मिल रही है कीमत पता लगी जो कीमत पता लगी इस मन में तो दौड़िया कि नहीं दौड़िया पागलों वाग दौड़िया जी पागलों वाग इसी तरह जो नाम की कीमत पता लगी ना यह रुकेगा नहीं उदों ये उदों भी पागलों वाग दौड़ेगा को सतनाम पागलों वाग दौड़ेगा सत श्री अकाल।
फिर जिवें सतगुरु कहिंदे दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजे टीला, एक निमख दे वी ढिल ना करी नहीं करेगा मन, नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि परमेश्वर दे नाम दे विचों, वाहिगुरु जी दे नाम दे विचों मैनू बड़ा कुछ मिलना है, बड़ा कुछ नहीं सब कुछ मिलना है, सब कुछ हर विपता तो तुहानू नाम कढ़ेगा, हर दुख तो तुहाडा नाम सहाई होएगा, हर चिंतावां तुहाडियां नाम दूर करेगा, पर शर्त एक है, एक अकीदे च बह जाना, सारे आसरे ढा ढेरी कर देना, खत्म, गरीब नवाज तेरे भरोसे ते बह गए, बह गए। एक छोटा जिहा तुहानूं वाकिया मैं सुना के फिर समाप्ति करूं। सतगुरु जी ने सानू मोस्को भेजना सी, सत अठ दिन बाबा जी ने उत्थे सेवा ली, पांच दिन कीर्तन सी ते एक दो दिन इदां, ते गुरु की कृपा दे नाल सत संगत जदों असीं इत्थों जाणा सी ना, इत्थों जाणा सी, हुण हर देश का अपना अपना हिसाब किताब है जी, रशिया थोड़ा जिहा टाइट है, रशिया थोड़ा मतलब थोड़ा कि ज़्यादा ही टाइट है, वीजे साढ़े लगे हुए ने, टिकटां साढ़े कोल ने, असी नॉर्मल सात संगत क्योंकि सारा देख रेख के जसप्रीत सिंह कर रहा सी, अभी नॉर्मल इदा ही होंगे, वीजा लगा हो, टिकट कोल हो, चलो तुरो, गल खत्म हो गई। सानू नहीं पता सी कि उत्थे दा एक वोचर होंदा है, सिस्टम होंदे होणगे हर देश दे अपने अपने, रशिया दा अपना सी, वो एक वोचर चाहिदा सी, एक वोचर दे नाल नाल सात संगत एक होर दस्तावेज सी जो सानू एजेंट दिंदा, हुण वो दोनों दस्तावेज साडे कोल ने, दोनों दस्तावेज साढ़े को पासपोर्ट है, वीजा लगे हुआ है, टिकट साढ़े को तुर पे निश्चिंत होके, तीन घंटे पहले असी सात संगत एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो गुरमुख प्यारे जिन्होंने इतों बुकिंग की बड़ी प्यार वाली रूह ने, गणेश लाल जी, उत्थे काबली संगत है जी अपना मोस्को दे विच, और माण होएगा तुहानू सात संगत जी, पूरे मोस्को च इको ही गुरद्वारा है, पूरे मोस्को इको गुरुद्वारा, और गुरु नानक साहब ने काबली संगत के सिर पर हाथ रख के सेवा ली, सारी संगत सासगो तो काबली है, काबली संगत है, उन्हां पासों सतगुरु जी ने बड़े बहुत वड्डा, पहले उन्होंने सात संगत मतलब वो हॉल खरीदया, फिर उत्थे गुरद्वारा साहब स्थापित किया, गुरु साहब के चरण पवाए, तो हुण उस तो बाद फिर होर वड्डा हॉल एक्सटेंड करवाया, उत्थे सिस्टम बड़े अजीबो गरीब ने सात संगत जी, मतलब उस सिस्टम च रहिंदिया होया बहुत पैसा लगता है जी, बहुत पैसा, पूरी बिलादरी ने, काबली बिलादरी ने पैसा ला के इको एक गुरुद्वारा है जी, बड़ा वड्डा गुरुद्वारा है और बड़ा शानदार गुरुद्वारा बनाया, गणेश लाल जी ने सारा प्रबंध किया होया, गणेश लाल जी ने ना उस एजेंट नूं कहा सी कि भाई तू वोचर ते जिहड़ा दस्तावेज सी तू उन्हां नूं पहुँचा दिओ, कहिंदा जी मैं डेट नेड़े आएगी तो मैं पहुँचा दिया, गणेश लाल भी भुल गए, एजेंट भी भुल गया, तो सानू तो पता ही कुछ नहीं सी, सानू तो यह पता सी जी कि वीजा लगा तो टिकट लई ते तुर पैना, गल खत्म हो गई। हुण जदों असीं उत्थे पहुंचे हां ते गणेश लाल दा इहनूं फोन आ गया, गणेश लाल जी दा इहनूं फोन आ गया, कहिंदे जी उह वोचर तुहानूं मिल गए, वो जिहड़ा दस्तावेज सी मिल गया, कहिंदा जी सानू तां पासपोर्ट मिले ने वीजा ला के, ते टिकटां तुहाडे वल्लों मिल गईआं सानू, वीजा भी उन्होंने ला के दित्ता सी जी, टिकटां भी उन्होंने भेजीआं, कहिंदे जी आ चीज़ां मिले, कहिंदा नहीं वो वोचर सिगा ते एक दस्तावेज नाल होर सिगा, इह कहिंदा जी सानू कुछ नहीं मिले, उहदे होश उड गए, कहिंदे जी इदां किदां हो सकदा, कहिंदा मैं एजेंट नूं कहा सिगा भेजण लई, कहिंदा जी सानू कुछ नहीं मिले, इहने पुछिआ जी कोई दिक्कत है, कहिंदा जी उहने गल टाला मोला करन दी कोशिश कीती, कहिंदा दिक्कत तां नहीं है पर दिक्कत हो सकती है, इत्थे इंडिया च इमीग्रेशन च कुछ नहीं, उत्थे बड़ी बड़ा लसेड़ पा सकदे, इह कागज सानू जरूरी चाहिए, तो कहिंदा जी कागज ना मिले, कहिंदे फिर लसेड़ी है होर की है, हो सकता है वह फिर उतों वापस भी भेज दें, कोई बड़ी बात नहीं, अपने देश दे एंट्री ना हो, दास अगे बैठा सी ते ए सारे पिछे बैठे सन, मैनू इन्हें दसिया कहिंदा वीर जी इदा गल बन गई, तो मैं फिर पुछो उस एजेंट को भाई किवें करना है, इन्हें एजेंट नूं पुछया, बड़े ध्यान ना सुनना हूँ, एजेंट कहिंदा जी ओहो मेरे ध्यान तो उतर गया, पहले दसे कि भाई मैं भेज चुका इदा उदा, यह कहिंदा जी बिल्कुल नहीं आया, फिर उन्हें कहिंदा नहीं मेरे ध्यान तो उतर गया, तो कहिंदा हुण, कहिंदा यार हुण तो मुसीबत बन गई भाई, इत्थे भी मेरा पूरा दफ्तर लॉक हो चुका है, उत्थे मोस्को भी जिहड़ा टाइम है वह भी लॉक हो चुका है,
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਕਵੇ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਚ ਪੋਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਪਿਆ ਕੰਮ ਉਹ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਕੜੀਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਤਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਚੋਂ ਪਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਠ ਕਰ ਪੰਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਦੋ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਭੁਗਤਾਓ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਮੋਸਕੋ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵਰਤੋ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਇਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਖੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੋਚਰ ਆ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੋਚਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੋਚਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰੀਰ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਇੰਜ ਉਹ ਵੋਚਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੋਲਣਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੁਣ ਬਾਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਖਾਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੋਰਿਆ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬੀਪ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੈਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੋਚਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੋਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਬਲਿਕ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੋਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੂਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ 400-500 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ
ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗਏ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾਣ ਲਈ ਕਿ ਸਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਸਕਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਈ ਫਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਸਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਓਏ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਕੜੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੋਸਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਜੇ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਸੋਚੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਏਦਾਂ ਕੜਕੜ ਕਰਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰਬੰਧਨ ਬਿਛਰਤਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਬਿਛਰਤਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਬਿਛਰਤਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਬਿਛਰਤਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬੰਧਨ ਗੁਰਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਜਾਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਡਲੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 2 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿੱਚ 379
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਦਹਿ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਈ ਦਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹਾਰ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਦਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਆਏ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ LIC ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ MD-RD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਈ ਦਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ। ICICI ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 0642010000844, RTGS, NEFT, IFSC, ICICI 0000642। ਦਸਵੰਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ www.bhaidahsinghji.com ਅਤੇ www.bhaigurshansinghji.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80G ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।